हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस किसका फीचर है। फर्स्ट एलिरोन सेल, सेकंड सिनर्जिड्स, थर्ड जेनरेटिव सेल, फोर्थ न्यूसलर एम्ब्रियो। सो द की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सो प्लांट में जो गाइनोशियम वाला पार्ट होता है, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऊपर होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स। स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन उड़कर आता है। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। स्वेलन पोर्शन को कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो पॉलन ग्रेन को कहां तक आना है, ओव्यूल तक आना है, सो दैट वो वहां पर फर्टिलाइज कर सके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ये वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं न्यूसलस। ये थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बीच वाले दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। नीचे बीच में जो होता है उसको एग सेल कहते हैं, और जो साइड वाले हैं दे आर सिनर्जिड्स। इस होल को कहते हैं माइक्रोपाइल, जहां से पोलिन ग्रेन एंटर करता है ओव्यूल में। और स्टॉक जो होती है ओव्यूल की, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल, जहां से ये प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब यहाँ न्यूसलस रीजन में कुछ सेल्स होते हैं। इनमें से एक सेल बड़ा होता है जिसको कहते हैं आर्चस्पोरियल सेल, जो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो ओवल है बीच में, जिसमें थ्री एंटीपोडल्स, दो पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल एंड सिनर्जिड्स होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, दो मेल गैमीट्स होते हैं। माइक्रोपाइल से ये अंदर जाएगा, उसका जो पहला मेल गैमीट होगा वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और बनाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज एंडोस्पर्म, और इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन में पूछा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस किसका फीचर है, किसका पार्ट है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, सिनर्जिड्स में मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। पतले पतले से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जिड्स में, जिनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और इनका क्या फंक्शन होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का, दे गाइड एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब and helps in the release of sperm. Pollen grain आएगा तो उसकी entry को guide करता है ये filiform apparatus, और ये कहाँ present होता है, synergids में। यहाँ ये present होता है finger like projections, तो उसकी entry को guide करता है pollen grain की, so that sperm release हो सके। Second thing, it also helps in absorption and conduction of food materials. From न्यूसलस to embryo sac, इसका मतलब न्यूसलस से यहाँ से embryo sac तक जो food materials उनको absorb कराना, conduct कराना, वो कौन करता है, filiform apparatus, जो कि synergids में present होते हैं। तो synergids में जो filiform apparatus होते हैं उनके दो काम होंगे, पहला तो वो guide करेंगे pollen grain को, उसकी entry को, दूसरा न्यूसलस से embryo sac तक वो food material को conduct कराएंगे। So the final answer is B, synergids. Hope you understood it well. Best of luck.